सुबह में एक बार ये नाश्ता ज़रूर बना कर देखें, बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके लिए मैंने एक कप बेसन, एक कप आटा, स्वाद अनुसार नमक लिया है और इस तरह से अच्छी तरह से मिला ली हूँ ताकि गुठलियाँ ना पड़े। अच्छी तरह से मिलाने से गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और घोल बहुत अच्छी तरह से बनेगी। अब इसमें मैं 3 कप पानी डाल दूँगी और अच्छी तरह से मिला लूँगी। अच्छी तरह से मिलाने के बाद ये बहुत ही स्मूथ घोल बन कर तैयार हो जाएगी। अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे। अब हम कैप्सिकम और एक प्याज को कद्दूकस कर लेंगे और इस घोल में मिक्स कर देंगे और फिर से इस घोल में इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये घोल थोड़ी गाढ़ी हो गई है क्योंकि इसको हम लोग अच्छी तरह से सेट होने में रखा था, तो थोड़ी गाढ़ी हो गई है और इसको ठीक ठाक करने के लिए उसी मेज़रमेंट कप में 1 कप और पानी डालेंगे, मतलब टोटल 4 कप पानी डालेंगे और हमारी घोल बनकर रेडी हो गई है। अब चलते हैं इसको पैन में डालने के लिए। पैन गरम कर लिया है और 1 चम्मच तेल डाल के फैला लिया है। अब इस तरह से घोल को चीला के जैसे हम लोग फैला लेंगे और पकने के लिए कब लगभग 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए एक तरफ पक गई है। अब 30 सेकंड बाद ढक्कन निकालने के 30 सेकंड बाद इसको पलटेंगे जिससे कि अच्छी तरह से ये पलटती है। इधर भी हम लोग धीमी आंच में 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। हमारी बेसन आटा की चीला हेल्दी नाश्ता, टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट रहती है, एक बार ज़रूर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। लाइक सब्सक्राइब। बाय बाय।